नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यू आर गुड। मैं इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक और नई आध्यात्मिक अनुभूति लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसे आप भविष्य दर्शन भी कह लीजिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुझे इस प्रकार के स्वप्न आते हैं जिनमें मुझे भविष्य की घटनाएँ दिखाई देती हैं। ऐसा उन सभी लोगों के साथ हो सकता है जो योग का अभ्यास करते हैं या फिर योग का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों का अनुभव सुना है जो योग का अभ्यास कभी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको भविष्य की घटनाएं नज़र आती थी। फिर मैंने देखा कि हर किसी को जो स्वप्न आते हैं उनका भविष्य से संबंध होता है, और क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको समझना, इस वजह से सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते और स्वप्न को झूठ समझ करके भूल जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके इस टॉपिक पर आगे आपसे बात करूँगा। अभी मैं आपको अपनी एक और नई आध्यात्मिक अनुभूति के साथ में उपस्थित हुआ हूँ, उसको बताने जा रहा हूँ। मैंने तुरीयावस्था में स्वप्न की एक ऐसी अवस्था जिसमें भविष्य दिखाई देता है, मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने मुझे व्हीलचेयर दी, स्टील से बनी हुई जिसमें पहिए होते हैं, और जो बीमार लोग होते हैं या जो हैंडीकैप लोग होते हैं वो लोग व्हीलचेयर पर इधर से उधर घूमते हैं। अस्पतालों में ये अक्सर पाई जाती है, वहाँ पर पेशेंट्स को इस पर बिठा कर एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाता है या पहुंचाया जाता है। ये व्हीलचेयर मुझे थी, व्हीलचेयर ऑटोमेटिक थी, मोटर लगी हुई थी उसके अंदर। मैं उस पर बैठ गया और उसे चलाने लगा अनजान सड़कों पर। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा हिस्सा था, लेकिन शहर कोटा था ये तो मैं जानता था, और वहां पर मैं अनजान गलियों से होता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक मंदिर था, और मंदिर से बाहर निकलते हुए मैंने देखा कि मेरे नाना जी, जिनका कि स्वर्गवास आज से 10-15 साल पहले हो चुका है, वो मेरे मामा जी का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे, उनका सहारा लेकर के खड़े हुए थे। उनको चलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, वृद्ध तो वो थी। तो मैंने जाकर के उनसे कहा कि नाना जी लीजिए, और व्हीलचेयर उनको दे दी मैंने, और दे करके पैदल ही वापस आ गया। जहाँ भी मेरा घर था, रहने का निवास स्थान था, वहाँ के लिए मैं रवाना हो गया। ये एक ऐसा स्वप्न था जो किस प्रकार से पूरा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों ने मेरी कार का कांच फोड़ दिया, बाहर खड़ी हुई थी घर के बाहर, कांच फोड़ दिया कुछ शरारती बच्चों ने, और मैंने उसे रिपेयरिंग के लिए गैरेज में दे दिया। गैरेज वाला आया और मुझे कार को घर पे खड़ी करके चला गया और चाबी मुझे दे करके चला गया। अगले दिन सुबह मैंने कार उठाई और किसी दूसरे रास्ते से, अनजान रास्ते से होता हुआ पेट्रोल पंप तक गया, वहाँ पेट्रोल भरवाया, और उसके बाद उसे चलाता हुआ मैं अपने मामा के घर तक गया, और वहाँ मुझे मेरे मामा मिले। नाना का स्वर्गवास तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, हो ही चुका है। वहाँ मुझे मेरे नानी जी मिले, उनका पूरा परिवार वहीं था। उन लोगों को मैं उस मकान के सामने जिसमें वो रहते थे, एक मंदिर है शिव मंदिर, उस शिव मंदिर के जस्ट बगल में मैंने वो कार खड़ी कर दी,
और चाबी उनको दे करके पैदल ही वापस आ गया। मतलब वो जो व्हीलचेयर मैंने देखी थी जिसमें मोटर लगी हुई थी, वो कुछ और नहीं, वो मेरी कार थी। मैं आपको यहाँ पहले भी बता चुका हूँ कि हम जो कुछ भी ध्यान में या स्वप्न में देखते हैं, भविष्य की घटनाएं, वो एग्जैक्ट वैसी नहीं होती, उनका रूप बदल जाता है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही हमें स्वप्न दिखाई देने लगे तो कितना आसान हो जाएगा ना सबके लिए सब कुछ समझना इन पहेलियों को। आपने देखा होगा कि जितनी भी भविष्यवाणियाँ होती हैं वो सिर्फ पहेलियों में ही होती हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध भविष्य वक्ता है नॉस्ट्राडेमस, सबने उसका नाम सुना होगा। नॉस्ट्राडेमस कहते हैं भारत में लोग उनको, और नॉस्ट्राडेमस के नाम से बहुत फेमस है वो। तो उसने अपनी सभी भविष्यवाणियाँ पहेलियों के रूप में की हैं और सब अपने अपने अर्थ उनमें लगाते रहते हैं। आज सैकड़ों साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन वो उसकी किताब अभी तक भी प्रचलन में है। हमारे यहाँ के भारत के रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सी भविष्यवाणियाँ की हैं, वेदों पुराणों और अनंत योग ग्रंथों में भविष्यवाणियाँ छुपी पड़ी हैं, लेकिन उनके अर्थ जानने वाला कोई नहीं है। लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से उनकी व्याख्या भी करते हैं, परंतु बड़ा ही मुश्किल काम है ये, बड़ा ही पेचीदा काम है, आसान नहीं है। अब मैं थोड़ा थोड़ा क्योंकि समझने लगा हूँ मेरी अनुभूतियों को, इस वजह से मैं आपको ये सब बता पा रहा हूँ। आप लोग भी थोड़े दिनों में ये सब सीख जाओगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये अनुभव से सीखे जाने वाली बात है। अगर प्रयास करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीख जाओगे आसानी से इसका, अपनी अपनी अनुभूतियों का अर्थ आपको समझ में आने लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आध्यात्मिक जगत में ना तो कोई सजीव पदार्थ है ना कोई निर्जीव पदार्थ है, ना तो कोई मृत है ना कोई जीवित है। और काल का भेद भी नहीं है, कितने भी साल पुरानी बात हो, अनंत काल पहले की बात हो, या भविष्य की बात हो, या वर्तमान की बात हो, वो सब एक हो जाते हैं उसमें। और कुल मिलाकर के सारी की सारी बातें इस तरीके से मिक्सचर हो जाती हैं कि इस ईश्वर के जगत में हमें समझ में आता है कि सब कुछ एक दूसरे से किस प्रकार से संबद्ध है। न सिर्फ सजीव वस्तुएं बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी हमारे जिंदगी से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। और यही सब बताने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। धीरे धीरे करके हम और भी कई अनुभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर आप मुझे अपने ज़िंदगी की कोई अनुभूतियाँ बताएंगे तो अगर मेरे समझ में आती है तो मैं उनका अर्थ भी बताने की कोशिश करूँगा, और ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आप की अनुभूतियाँ और मेरी अनुभूतियाँ किस प्रकार से एक दूसरे से मिलती हैं और किस प्रकार से एक दूसरे से हम लोग संबद्ध हैं। क्योंकि मैंने अपनी अनुभूतियों में जाना कि हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। बल्कि यूं कहें कि एक ही ऊर्जा स्रोत के विभिन्न रूप हैं। उस ऊर्जा स्रोत को आप ईश्वर कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हम उसके ही विभिन्न रूप हैं। पर हम अपने अपने रोल में इस प्रकार से रम गए हैं कि हमको ये अनुभव ही नहीं हो पाता कि हम सब किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। धीरे धीरे करके इसी टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।